हेलो फ्रेंड्स माई सेल्फ डॉक्टर आशीष पंचाल योर बायोलॉजी नीड गुरु फ्रॉम त्रिशा इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजी बच्चों आज जो हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है अपेंडिक्युलस स्केलेटन सो एज वी ऑल नो दैट इन अपेंडिक्यूलस स्केलेटन हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट तो दैट इज 126 ट्वेंटी सिक्स बोन्स आर प्रेजेंट एंड आउट ऑफ दिस वन ट्वेंटी सिक्स द सिक्स बोन्स आर प्रेजेंट इन दी गर्डल सिक्स बोन्स आर प्रेजेंट इन दी गर्डल एंड द वन ट्वेंटी बोन्स आर प्रेजेंट इन अपर limbs and the lower limbs okay so look at here the girdle so mainly girdle are divided into two, two part which one so the first one is the pectoral girdle and second one is the pelvic girdle first is the pectoral girdle and how many bones present in the pectoral girdle? So, in the pectoral girdle, it possesses the total number of the bone is 4, 2 on each side. Okay, 2 on each side and this pectoral girdle has mainly 2 bone. One is the scapula and second one is the clavicle. The first bone is the scapula. So, in the pectoral girdle has the scapula and where the scapula is present so this scapula actually it is present on the dorsal side present on dorsal side of body body dorsal and it is uh, start from the second ribs to seventh ribs dorsal side of the body between between the Second ribs to seventh ribs. Okay, the scapula it is present at the dorsal part of the body between the second ribs to seventh ribs, and this scapula is the triangular and flat bone. It is the triangular and the <laughs> triangular and the fat flat bone the structure of scapula is like this here it is the triangular bone and the scapula has one process and this process is known as the acromium process this is known as the acromium process acromium

क्लेवाइकल बोन यहां पर क्या होगा बेटा क्लेवाइकल बोन इज अटैच के यहाँ पर क्लेवाइकल बोन अटैच होगा दिस इज नोन एज द्लेवाइकल के ना द सेकेंड बोन एज द्लेवाइकल सेकेंड बोन इज द्लेवाइकल एंड द क्लेवाइकल इज द रॉड शेप बोन इट इज द रॉड शेप्ड बोन क्लेवाइकल इज दॉड शेप्ड बोन एंड दिस क्लेवाइकल अटैच एट दिडियली अटैच विथ स्टर्नम यानी बेटा मिडियली मिडियली मतलब मिडल साइड पे वो स्टर्नम के साथ कनेक्टेड होगा एंड लेट्रलिन

मेडियली यहां पर कनेक्टेड होगा और लेटरल इट इज अटैच विद्रोमियम प्रोसेस ऑफ दी स्केप्यूला स्के नाउ एट जंक्शन मीन दिस क्लेवाइकल एंड द स्केप्यूला बोन इज फॉर्म दी वन कैविटी एंड द कैविटी इज नोन एज कैविटी लुक एट हियर सपोज दिस इज दैविटी इट इज लाइक दिस

okay that is the humerus bone it's a humerus bone so head of the humerus is fit with the help of the ball and socket type of the joints with the glenoid cavity so the head of humerus joined with glenoid

now the second one is the pelvic girdle second one is the pelvic girdle so what is in pelvic girdle so in pelvic girdle it possesses the three bone but these three bone are fused together and it form the one coxal bone okay it is it possesses the one coxal bone

दिस कॉक्सल बोन इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एलियम इसकियम एंड द्यूबिस तीन बोन बेटा ज्वाइंट होके एक बोन बनाएंगे दैट इज नॉन एज दॉक्सल बोन ऑन ईच साइड ओके तो यहां पर कितने बोन होते हैं बेटा दो बोन होंगे तो टोटल दो प्लस चार छ हो गए बेटा ना यहाँ पर देखो कि दिस इज दॉक्सल बोन में बेटा तीन टाइप के बोन है वन इज द एलियम इसकीियम एंड द प्यूबिस सो दिस बोन इज द पहले तो यहां पर मैं कैविटी बनाता हूँ बेटा के okay, अब यहां पर एक बोन होगा दैट इज नोन एज इलियम फिर यहां पर होगा बेटा दैट इज नोन एज दी इस्किम और फिर यहां से एक होगा वो दैट इज नोन एज दी प्यूबिस ऐसे तीन बोन बेटा ज्वाइंट होंगे एक कैविटी बनता है के okay? <coughs> इस साइड भी बेटा ऐसे ही होगा इलियम इसकीियम एंड दी प्यूबिस ऐसे तीन बोन बेटा ज्वाइंट होके पूरा ये कैविटी बनाते हैं यहां पर प्रॉपरली ऐसे होता है इट इज अप ज्वाइंट बेटा तो ये जो कैविटी है वो कैविटी को क्या बोलते हैं बेटा ग्ली ब्यूलम कैविटी ब्यूलम कैविटी सो दिस थ्री बोन बोन ग्रुप्ड एंड फॉर्मड वन कैविटी known as acetabulum bulum cavity in which in which the head of head of femur joined by joined by the ball and ट टाइप ऑफ ज्वाइंट okay? बटा तो यह तीनों बोन ग्रुप बना के क्या बनाएंगे कैविटी बनाएंगे और कैविटी को क्या बोलते हैं एसेक्टाबुलविटी और एसेक्टाब्यूलम कैविटी में हेड ऑफ फीमर ज्वाइंट होगा विद द हेल्प ऑफ बॉल एंड सॉकेट टाइप ऑफ दी ज्वाइंट लाइक यहां से देखो ऐसे होगा दिस इज द फीमर बोन बेटा राइट ना वन मोर थिंग बेटा बोध साइड ऑफ द प्यूबिस दिस इज द प्यूबिस बोन दिस इज द प्यूबिक बोन प्यूबिस बोध साइड ऑफ द प्यूबिस बोन जॉइंट टूगेदर विदेल ऑफ द कार्टिलेज एंड इट इज नोन एज दाइट फाइब्रोकारलेज प्युबिक सिंफाइसिस इट इज नोन एज द्यूबिक सिंफाइसिस एंड दिस प्यूबिक सिंफाइसिस इज मेड अप ऑफ the फाइब्रस कार्टी लेग बेटा इसका काम क्या है तो ये क्या करता है एट द टाइम ऑफ द चाइल्ड बर्थ ये जो हिप जॉइंट है उसको एनलार्ज करता है तो बेबी कैन इजीली कम्स आउट फ्रॉम द मदर बॉडी सो दिस इज द पेक्टोरियल गर्डल एंड दिस इज पेल्विक गर्डल क्लियर बेटा यहां तक पता चला सो नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज दी लिम्स फर्स्ट पार्ट था बेटा हमारा गर्डल दूसरा पार्ट क्या है बेटा लिम्स तो लिम्स इज फर्दर डिवाइड दी टू पार्ट वन इज दी लिम्स में कौन कौन से पार्ट होंगे बेटा तो उसमें होंगे अपर लिम्प एंड दी लोअर लिम सो फर्स्ट वन इज दी अपर लिम एंड अपर लिम्स Possess how many bones? So, upper limb possesses the total, upper limb has the total 30 bones present in the upper limbs. Okay. Now, in upper limb, the first bone is the humerus. First bone is the humerus. So, this is the humerus bone. Okay. It is called the humerus, and in humerus, it is also known as the upper. Arm bone, it is known as the upper arm bone. Then the two bone are the it is the radio, and here it is the ulnar bone. This is the ulna. So now this bone is known as the radio, and this is known as the ulna bone. दिस रेडियल बोन और द रेडियो बोन एज प्रेजेंट एट दी आउटर साइड और द लेटरल साइड इट इज प्रेजेंट एट दी लेटरल साइड एंड इट इज प्रेजेंट एट द मेडियल साइड के और इन द अपर लिम द अल्ना इज द लार्जेस्ट बोन इन अपर लिम इट इज द लार्जेस्ट बोन ओके बेटा अगर आप ऐसे खड़े हो बेटा के अगर आप ऐसे खड़े रहते हो तो जो थंब की तरफ जो बोन होता है दैट इज रेडियल और अंदर की तरफ जो बोन होता है दैट इज अल्ना फिर उसके बाद बेटा क्या होता है सो हियर इट पर्जेस दी टोटल एट वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एक पीछे की तरफ सेवन और यहाँ एट टोटल एट जो होता है बेटा क्या होते हैं तो एट आर दी टार्स कारपेल्स दिज आर दी द and after carpals here it passes the this is the 1 2 3 4 and 5 this is the 5 this is known as the metacarpals this is called the metacarpals and after metacarpals it passes the one and two. Here it is the one, two, and three. One, two, and three. One, two, and three. One, two, and three. So this is known as the phalanges. This is known as the phalanges. Okay. अगर बेटा ये है रेडियोनल ना तो इसको हम और क्या बोल सकते हैं इसको हम बेटा लोअर आर्म भी बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं लोअर आर्म भी बोल सकते हैं कार्पेल से बेटा तो कार्पेल्स को हम क्या बोलेंगे रिस्ट बोन क्या बोलेंगे रिस्ट बोन मेटा कार्पल से बेटा उसको हम क्या बोलेंगे पाम बोन क्या बोलेंगे पाम और इसको बोलेंगे बेटा डिजिट क्या बोलेंगे डीजिट सो दिज आर बोन्स ऑफ दी अपर लिम्स वैसे बेटा लोअर लिम्स की बात करते हैं सो इन लोअर लिम्स okay also has the number of bone in the lower limbs is also 30 okay so look at here the first is the this is the femur bone and the femur is the largest bone of our body it is the largest bone of our बॉडी देन फीमर के बाद एक है यहां पर दैट इज दी टिबिया एंड फिब्यूला सो सो दिस स्मॉल बोन इज नोन एज दी फिब्यूला एंड हियर इट पर्जेज दिब्यूला एंड टिबिया एंड ऑन दिस इट पर्ज इज दी कैप यहां पर क्या होगा बेटा नी कैप होगा दिस इज दी नी कैप इट्स अ पैटेला पैटेला मीन्स नी कैप सो द थ्री बोन फीमर पैटेला एंड टीबिया ग्रुप टूगेदर एंड इट फॉर्म दी जॉइंट्स एक्चुअली नी ज्वाइंट्स फिब्यूला हैज नो रोल फिब्यूला का कोई रोल नहीं होता फिर उसके बाद है बेटा यहां पर होंगे हैज देवन tarsus ये सेवन क्या है बेटा टार्सस सेवन नंबर फिर उसके बाद होगा बेटा फुट उसके बाद क्या होगा इट इज दे फूट और यहां पर होगा बेटा फाइव मैटा टार्स दिस इज दे फाइव मैटा टार्स and after five metatarsals here it is the two thumb and this is the phalanges this is known as the phalanx बेटा phalanges को हम डिजिट भी बोल सकते हैं metatarsals को क्या बोलेंगे बेटा foot bone टार्सस को क्या बोलेंगे बेटा एंकल बोन क्या बोलेंगे एंकल बोन के सो दिस इज द बोन ऑफ द लोअर लिम तो दिस इज द अपर लिम एंड दिस वन इज द लोअर लिम अगर बेटा आपको हमारे ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्रेस करना मत भूलिए थैंक यू एंड अ गुड डे